साइंस टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। SC ST एक्ट को लेकर स्वर्ण समाज में भयंकर रोष, बीजेपी के अंदर भी छिड़ी जंग। केंद्र सरकार की ओर से SC ST एक्ट में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में स्वर्ण बिरादरी बेहद नाराज है और उसने इस फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है। स्वर्णों को केंद्र सरकार के इस फैसले से आपत्ति है, वहीं बीजेपी के अंदर भी SC ST एक्ट को लेकर जंग शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री कलराज मिश्रा और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बड़ी संख्या में SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे स्वर्ण समाज में भयंकर रोष है। दूसरी तरफ SC आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया और बीजेपी सांसद उदित राज का कहना है कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। कलराज मिश्रा ने कहा कि एक बार फिर से SC ST कानून में बदलाव किया गया है, जिसके बाद से स्वर्ण समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। उनका कहना है कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग स्वर्ण समाज के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से स्वर्ण समाज के पूरे परिवारों को इस एक्ट में फंसाया जा रहा है। पुलिस भी दबाव में काम कर रही है, जिससे स्वर्ण समाज अपने आप को असंतुष्ट और असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए अब SC ST एक्ट के विरोध में स्वर्ण समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और स्वर्ण समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कलराज मिश्रा ने मांग की कि इस तरह की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इस एक्ट में पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है, नहीं तो ये समस्या बढ़ेगी जो आंदोलन का रूप भी ले सकती है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि SC ST एक्ट पर कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा था कि इसे स्वीकार करना चाहिए, तब पार्टी ने उनकी बात को नहीं सुना। उन्होंने यह भी कहा था कि इस कानून में तत्काल गिरफ्तारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब साफ है कि कलराज मिश्रा और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि 20 मार्च को SC ST कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, यह कानून उसी प्रारूप में रहना चाहिए। मतलब शिकायत के साथ FIR और गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, पहले शिकायत की DSP लेवल के अधिकारी से जांच हो, उसके बाद ही FIR और गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के सांसद और SC आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया का कहना है कि SC ST एक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये SC ST कानून 30 साल पहले जैसा काम कर रहा था, आज भी यह कानून वैसा ही काम कर रहा है। अगर कहीं भी किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज का कहना है कि किस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है। संसद में सभी पार्टियों ने SC ST एक्ट का समर्थन कर सर्वसम्मति से पास किया था। SC ST एक्ट को लेकर जिस तरह से बीजेपी के अंदर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, उसको देखकर लगता है कि पार्टी में भी इस मामले पर नफे नुकसान को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में SC ST कानून के पक्ष और विपक्ष में आवाज बुलंद हो रही है, वो पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सांझ टीवी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सांझ टीवी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए। ताजा खबरों के लिए आप www.sanch.tv पर भी जा सकते हैं।